Hello everyone, this is Deepika. Welcome to R.G.A.D Commerce classes. Now we are going to discuss Consumer Protection Act. Consumer protection basically kya hota hai? Consumers are many times denied most of their rights and are also exploited by unfair trade practices. They may be mislead by false or deceptive advertisement. Consumer protection ye hai ki consumer ko kisi bhi galat cheez, koi bhi galat product lene se bachaya jaye ya koi bhi galat advertisement ke through agar wo jata hai us product ko lene, matlab वो उसे चीट होने से बचाया जाए. बेसिकली इसमें यही बताया गया है कंज्यूमर को कैसे कैसे प्रोटेक्ट करना है कि लेट द बायर बी अवेयर, है ना, लेट द कंज्यूमर बी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स या फिर क्वालिटी उसकी. ठीक, तो यही बताया गया. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इसमें क्या होता है कि कोई भी गलत चीज़ों से उसे बचाया जाए. ठीक, कंज्यूमर के राइट्स बहुत, इसमें यही लिखा है कि उसके राइट्स को डिनाई मतलब नज़रअंदाज किया जाता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब नकारा जाता है. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब गलत चीज़ों से. ठीक है, दिस में लीड बाय फॉल्स और डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट. ये कैसे होता है, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट कुछ भी दिखा दिया और प्रोडक्ट है कुछ और. ठीक, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अब ये क्या है, वेदर इट इज़ प्रिवलेंट इन इंडिया और नॉट. प्रिवलेंट तो है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ के सारे रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, ये इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ था. हुए तो बहुत सारे थे, बट 1986 में जो हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुआ था. इसमें बेसिकली कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना था. सारी जगह था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में ये अप्लाई नहीं होता है. ठीक, ये नहीं हुआ था और कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट था वो सेव किया गया था और प्रोटेक्ट किया गया था. ठीक, उसमें राइट्स दिए गए थे. इसमें राइट्स क्या क्या थे, राइट्स एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो बाय कहीं आपको चीट किया जा रहा है कोई गलत चीज़ से, या कोई मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से, तो उससे आपको हटाया जाए, है ना. उसमें कंज्यूमर को राइट है बोलने का. ठीक, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज. उसको राइट है कि वो अपने हेल्थ और सेफ्टी के लिए मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में अगर कुछ मैनिपुलेशन होता है तो उसे राइट है कि वो मतलब कंप्लेन कर सकता है एंड ऑल. ठीक, राइट टू गेट द ग्रेवियांस रिड्रेस, मतलब ग्रेवियांस लड़ाई झगड़े होते हैं. ठीक है, उसे राइट होता है कि उसको रिड्रेस कम करे. ठीक, राइट टू बी हर्ड इफ़ देयर इज़ एनी ग्रेवियांस और सजेशन. और अगर कोई लड़ाई झगड़े या कोई सजेशन है तो उसे राइट है कि वो सुने. ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें बेसिकली होता क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कंज्यूमर की जो राइट्स हैं जैसे सेफ्टी है उसका. ठीक, कंज्यूमर भाई गलत प्रोडक्ट खा लेगा उसे कोई डिजीज़ हो जाएगी, सही इंफॉर्मेशन से अगर वो प्रोडक्ट खरीदे तो ऑब्वियसली सही खरीदेगा. अगर मैनिपुलेशन करके एडवर्टीजमेंट को मैनिपुलेट करके उसी चीज़ें पहुँचाई जाएँ, अब हम ही लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं कोई भी, तो उसके बिहाफ पे हम मार्केट में परचेज करने जाते हैं, लेकिन मान लो वो एडवर्टीजमेंट में हमें मैनिपुलेट किया गया हो, तो ये चीज़ गलत है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंडर आती है. च्वाइस है, हियरिंग है, रिड्रेस है, एजुकेशन है. ठीक, बेसिक कंसेप्ट इसमें क्या होता है, कंज्यूमर इसमें क्या क्या इंक्लूड इसमें होता है, कंज्यूमर कंप्लेनेंट कंप्लेंट, ये दोनों अलग अलग होते हैं वर्ड्स. ठीक, डिफेक्ट डेफिशिएंसी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड प्रोमोट कंज्यूमर राइट, ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक, ना ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अब ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि उन्हें बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए, मतलब जो भी गुड्स है उसमें बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो कंज्यूमर को, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की जाए, और जो भी डिस्प्यूट हो उसे सेटल किया जाए, ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं. राइट्स क्या क्या होते हैं, राइट सेफ्टी का है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, राइट टू चूज कस्टमर को या जो है कंज्यूमर को राइट होता है, ये नहीं उससे कह नहीं सकते कि नहीं आपको यही खरीदना है तो खरीदना, उसका मन है, उसको उसके मन है वो खरीदे या ना खरीदे. राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, उसे मतलब सही सही चीज़ें पता होनी चाहिए, मैनिपुलेट करके चीज़ें ना बताई जाएँ. और ये चीज़, ये वाला फिफ्थ पॉइंट हम पीछे पड़ चुके हैं.
अब देखो कंप्लेनेंट क्या होता है, कंप्लेनेंट मे बी कंज्यूमर और एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन और द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अब इन्होंने बोला कंप्लेनेंट जो होता है वो कोई कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन, कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है कंप्लेनेंट। ठीक, अब देखो कंप्लेंट क्या होता है, इफ़ द कंप्लेनेंट हैज़ सफर्ड लॉस और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर। जब किसी कंप्लेनेंट को, मतलब किसी कंज्यूमर को, किसी अथॉरिटी को, सेंट्रल स्टेट को, मतलब कोई लॉस हो जाता है, कोई मतलब गुड्स, कोई फॉर एग्जांपल कोई गुड्स था उससे कोई लॉस या डैमेज हो जाता है, मतलब उसकी मैनिपुलेशन की वजह से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से, ठीक, तब इफ़ द तब वो कर सकता है कंप्लेंट। फिर इफ़ गुड डिलीवर टू द कंप्लेनेंट हैव वन और मोर डिफेक्ट। अब जैसे कब की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गुड्स डिलीवर हुए उसमें डिफेक्ट्स आ गए, एक नहीं बहुत सारे डिफेक्ट आ गए, तब करी जा सकती है कंप्लेंट। फिर क्या, इफ़ सर्विस रेंडर इज डेफिशिएंट इन एनी रिस्पेक्ट, कोई सर्विस जो है डेफिशिएंट, कोई ख़राब सर्विस दी गई, इसलिए की जाती है। अब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, इट मीन्स एनी ट्रेड प्रैक्टिस विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय हायर और अवेल ऑफ एनी गुड्स और एज अ केस मे बी सर्विस और एज सर्विस एज अ कंडीशन और प्रेसिडेंट फॉर बायर हायरिंग अवेलिंग अदर गुड्स एंड सर्विस। देखो सबसे पहला रिस्पेक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस जो विच रिक्वायर्स अ कंज्यूमर टू बाय, जो मतलब ज़रूरी होती है कंज्यूमर के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए या कोई चीज़ हायर करने के लिए या कोई भी गुड्स के बारे में अवेल होने के लिए, ठीक, कोई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस होती है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो मतलब गलत तरीके से मैनिपुलेट करके उसे चीज़ें मतलब बताई जाएँ, गलत एडवर्टीज़ मैनिपुलेट करके या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करके, कोई गलत तरह से रिप्रेजेंट करके, हमने दिखाया बहुत अच्छा है बहुत ख़राब वो चीज़ ना, कोई सेल करके, बार्गेनिंग सेल भी आती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में, ठीक है, नॉट कंफाइंड टू प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, लिखा है रिबॉक अंदर कुछ और है, मतलब है ना, ऑफरिंग गिफ्ट प्राइज एंड कंडक्टिंग। अब ये सब जो लॉटरी वगैरह होती है ना, ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आती हैं कि मतलब आप ये खरीदो तो इसके साथ ये लॉटरी मिली, ये गिफ्ट मिला, वो मिला, ये भी एक तरह से कंज्यूमर को मैनिपुलेट किया जा रहा है,